नमस्कार। बैठो भाई। वार्ता शुरू कर। मित्रों, आज एक विशेष विषय को लेकर के आपसे बातचीत करूंगा मैं, और वो है जैसे पिछले दिनों में देश भर में अब आई है, अब आ गई भाई। जरा माइक का देखो जरा, ठीक चलिए अब आ रही है। परवाना जी कहेंगे तो चालू करेंगे। आज हाँ, आज विषय मैंने खुल के नहीं करनी आज मैंने आज एक विषय पर बात करनी है, जिसके लिए मैंने आज आपको ये कष्ट दिया है। और अब लगातार बातें तो होंगी ही, हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलेंगे। आज जिस विषय विशेष के ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाया है वो है, क्योंकि पिछले दिनों में देश भर में एक चर्चा जो चली, कभी आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है, तो कभी जीडीपी की बात कही जा रही है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही जा रही है। और इस विषय पर स्वाभाविक है कि जो मूर्धन्य लोग हैं, जो एक बुद्धिजीवी जिसको कहना चाहिए, एक इस विषय पर पकड़ रखने वाले लोग हैं, उनकी भी अपनी चिंता है, सरकार की भी अपनी चिंता है, और समाज में ऐसे सब लोग, उनको भी कोई ना कोई बात की जानकारी चाहिए। ये बात ठीक है कि ये एक साइक्लिकल जिसको कहना चाहिए साइक्लिकल एक चक्र है, जो कुछ वर्षों के बाद ऐसा आता है, और किसी एक देश में भी नहीं आता, कई बार ये विश्वव्यापी होता है। तो ऐसा विश्वव्यापी कहीं ना कहीं इस मंदी के दौर में से दुनिया के बहुत देश निकल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है उस समय फिर आर्थिक मोर्चे पर बहुत से सुधार ये सब किए जाते हैं। तो ऐसे आर्थिक सुधारों के करने में अपने देश की केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अपने वित्त मंत्री जी ने बहुत सी पहल की है। और उस पहल में ये कहना चाहिए पिछले एक महीने में 5 बार और ऐसे आर्थिक सुधारों के लिए वित्त मंत्री जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, जिसके अंदर एक तो हमको ध्यान में है कि बैंकों का विलय हुआ है। जो 2017 में बैंकों की संख्या 27 थी, वो विलय के बाद पिछले ही महीने तो 10 बैंकों के 4 बैंक रह गए, उससे पहले भी विलय हुए, तो अब कुल 27 में से 12 बैंक राष्ट्रीय बैंक वो अब रहेंगे। अर्थात बैंकों का दायरा बढ़ाया गया है, बैंकों का एक प्रकार से उसका जो प्रावधान है उसमें आसपास दूसरे बैंकों को जोड़ करके और उन बैंकों की साइज़ को बड़ा किया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि उसमें बैंकों के अंदर लिक्विडिटी बढ़े तो कुल 1,43,000 करोड़ रुपए अलग अलग मदों में बैंकों उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस लिक्विडिटी के कारण से एक पैसा जितना ज़्यादा इन्फ्यूज़ होगा उतना लोगों की बाइंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी ये बढ़ेगी, और उसमें उद्योग का भी अपने आप में एक वृद्धि होने का एक चांस जो बनता है। बॉन्ड जारी करने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया है, जिससे 5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स यानी चल निधि जिसको कहते हैं, चल निधि जारी की जा सकती है। ऐसे कॉरपोरेट, खुदरा उधारकर्ता, एमएसएमई, छोटे व्यापारी आदि, इन सबको उसका बहुत बड़ा एक लाभ होगा। ऋण जो है वो सस्ती दरों पर लोगों को मिल सकें, उसमें चाहे हाउसिंग लोन है, वाहन है या अन्य खुदरा ऋण, इनके लिए दर कम की गई है। रेपो रेट 6.15 से 5.40 कर दी गई है, 0.85 का एक प्रकार से उसमें। ये सब बातें जो पहले की जा चुकी हैं मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ, ताकि हमको एक ओवरऑल टोटल विषय ये जिस ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। उसमें एमएसएमई का जो जीएसटी का भी एक विवाद चल रहे थे, उनकी रिफंडिंग जो है वो बहुत डिले हो रही थी, तो उन्होंने घोषणा की कि ऐसे जीएसटी को 30 दिन के अंदर जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो सब रिफंड हो जाएगा और आगे रेगुलर रिफंडिंग भी गारंटेड 60 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली उनके यहाँ रिफंड जो भुगतान है जीएसटी का, जो लंबित भुगतान है वो सब हो जाएंगे। इसी प्रकार एक अक्टूबर 2019 से जो आयकर अधिकारियों द्वारा कई बार नोटिस, सम्मन या ऐसा उत्पीड़न जैसी कुछ शिकायतें मिलती थी, इनको भी अब कंप्यूटर प्रणाली से ये सब नोटिस और सम्मन जाएंगे, ये सब आदेश जाएंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार की मनमर्जी किसी अधिकारी की न चले। तो एक बहुत बड़ा एक प्रावधान किया है। स्टार्टअप्स को कुछ जो प्रावधान है उनसे मुक्त किया गया है, ताकि उन पर जो ये करों का प्रावधान और उसमें जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कम से कम करनी पड़े, ताकि स्टार्टअप्स की जो कठिनाइयाँ हैं उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए CBDT के एक मेंबर के देखरेख में एक विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा, ताकि स्टार्टअप्स को कठिनाइयाँ कम आएँ। इसी प्रकार वाहन, घर और उपभोक्ता इन वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ये बैंकों को ये उपलब्ध कराई गई है। जो मैंने 1,43,000 करोड़ बताया है उसके अंदर ये शामिल है। EMI जो लोगों को देनी पड़ती है ऋण के बाद, चाहे वो आवास का ऋण हो, वाहन का हो अथवा अन्य खुदरा ऋण हो, तो उसको EMI की दर जो है EMI कम देनी पड़े, उसके लिए इंटरेस्ट रेट ये भी कम किए गए हैं। अभी 19 तारीख को जो अलग अलग प्रावधान जो किए गए कॉरपोरेट टैक्स के, वो हमको जानकारी है कि जो कॉरपोरेट रेट पहले 34 पॉइंट something % जो उसका नेट रेट होता था इनकम टैक्स का, उसको घटा करके अब 22% और सेस और सरचार्ज मिला करके 25.17%, यानी एक प्रकार से 10% का रिबेट ये कंपनियों को अब दिया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो इसमें लाभदायक होगा। और मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े देश हैं उन सब देशों में भारत का जो रेट है या तो उनके बराबर हो गया है या बहुत देशों से कम हो गया है। केवल कुछ छोटे देश हैं जिन्होंने अपनी इस दर को भारत से भी कम रखा हुआ है। जैसे जापान का ये जो कॉरपोरेट टैक्स रेट आज की रेट में 30.62% है, जो अपने यहाँ 25 यानी ये जो रेट के अलावा सरचार्ज वगैरह इसके अतिरिक्त होंगे, तो जो 22% इंडिया का जो रेट है उसके मुकाबले में जापान में 30.62 है। साउथ कोरिया में ये 25% है, चाइना में 25% है, इंडोनेशिया में 25% है, मलेशिया में 24% है। तो ऐसा एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम में भारत ने रेट्स को कम किया है, ताकि कंपनियां जो हैं भारत में इन्वेस्टमेंट आकर के ज़्यादा करें। और वैसे भी चाइना और USA का जब से थोड़ा दूरी बढ़ी है, तब से USA के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने चाइना से बाहर निकलने का अपना मन बनाया है। तो चाइना से यदि बाहर निकलेंगे, स्वाभाविक है वो इस रीजन में जहाँ कहीं लुक्रेटिव अट्रैक्टिव पोजीशन होगी वहाँ निवेश करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो वो कंपनियाँ हम चाहेंगे अपने देश के अंदर, भारत के अंदर ज़्यादा आए। तो इसलिए एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम से ये जो 22% का रेट है ये हमको काफ़ी लाभदायक होगा। और जो नई कंपनियां हैं स्टार्टअप्स की, उनके लिए 22 की बजाय भी ये 15% रेट रखा गया है। और 15% जो आज भी अप्लाई करेंगे और 3 वर्ष के अंदर अंदर अपनी प्रोडक्शन चालू कर देंगे, उनको ये रेट लगातार 15% ही देना पड़ेगा, जो पहले के रेट से एकदम आधा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और ये दी है। तो इस प्रकार ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हम अपने यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, कंजम्पशन को बढ़ा सकें और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। जब ये सारी चीज़ें अनुकूल होंगी तो स्वाभाविक है कि हमें एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट करने का एक अवसर ये मिलेगा। देश के स्तर पर ये सब चीज़ें की गई हैं। इसमें कुछ बातें मैं हरियाणा की जोड़ना चाहूँगा। तो हरियाणा, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग देश की जो एवरेज है, ऑल इंडिया का जो आंकड़े हैं, उसमें कहीं बेहतर स्थिति में है हरियाणा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी वार्षिक 2018-19 जो नेशनल लेवल 6.8 हो गई थी, हरियाणा 8.2 यानी 1.4 ये जीडीपी हरियाणा की देश के मुकाबले में ज़्यादा है। और हर वर्ष 1% का गैप तो ज़रूर रहता है। तो हरियाणा की पोजीशन ये देश की एवरेज से ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। अगर इसको केवल एग्रीकल्चर लें तो देश का जो जीडीपी 18-19 का निकल के आया है 2.9, हरियाणा का है 5.5। बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में हम हैं। उद्योग में देश का है 6.9, हरियाणा का है 8.6, इसमें भी हम 1.7 ऊपर हैं। सर्विसेज में देश भर का 7.5 है, हम 8.2 पर हैं। यहाँ वृद्धि केवल 0.7% है, क्योंकि सर्विसेज का अपने आप में पोर्शन ज़्यादा होता है, मोर देन 50% सर्विसेज का ही होता है। इसलिए ऑन एवरेज 1.4% वृद्धि दर ये हमारी देश भर से ज़्यादा है। आगे क्वार्टर के हिसाब से, देश भर में क्वार्टर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन हमारे हरियाणा में वार्षिक दर ही ये कैलकुलेट होती है। 19-20 का जो आंकड़ा आएगा निश्चित रूप से उसमें भी हम अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो लोन डेट के हैं, वो भी हम अंडर कंट्रोल है। एनुअल जो है वो 3% के अंदर है हमारा। और जो कुल मिलाकर के नेशनल लेवल के ऊपर जो टोटल डेट है वो भी 20% के आसपास ही रहता है। जो 25% से नीचे अगर हैं तो वो सब हमारा अंडर कंट्रोल है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वैसे तो देश भी दुनिया के लिहाज से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूव किया है। हम 77 रैंक के पर आ गए हैं। पहले 123 पर थे शायद 77, लेकिन हमने अपना टारगेट रखा है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, सिस्टम हमारा ऐसा बने कि हम 50वां स्थान जल्दी आ जाएं रैंकिंग में सारी दुनिया में। हम हरियाणा में देश भर में तीसरे स्थान पर हैं, नॉर्थ इंडिया में पहले स्थान पर हैं, जबकि 2014 के अंदर हम 14वें स्थान पर थे। इसलिए एक इन्वेस्टर फ्रेंडली ये एक वातावरण हरियाणा के अंदर बना है। और मैं समझता हूँ कि निवेश के नाते भी अच्छा निवेश, 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हो चुका है। और बाकी जो MOUs हैं उनसे लगातार हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, हर एक MOU के साथ हमारा एक कोई अधिकारी, कर्मचारी अधिकारियों में से एक व्यक्ति को हमने रिलेशनशिप मैनेजर लगाया हुआ है। कहीं कहीं कुछ कठिनाइयाँ, किसी की ज़मीन की आती है कठिनाई, किसी की कोई प्रावधान, कोई भी ऐसे अड़चन आती है, तो उसको दूर करने के लिए और उसको कन्विंस करने के लिए हरियाणा में वाकई इन्वेस्ट करें। और ये जो हमारा 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये किसी भी 5 साल के पिछले पीरियड में कभी इतना नहीं हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते हरियाणा बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी हमारी पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। और हमारे जो पैरामीटर्स जितने भी हैं, आर्थिक पैरामीटर्स, वो आसपास के प्रांतों में सबसे अच्छे हैं। हमारी जो फिस्कल फाइनेंस मैनेजमेंट की जो पोजीशन है बहुत हेल्दी है, जो बाकी प्रांतों की इतनी नहीं है। पड़ोस में अगर पंजाब प्रांत की बात देखें तो पंजाब में कई प्रकार के संकट आज भी हैं कि जो समय पर कई बार तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी तक नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ लिक्विडिटी भी जो है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, प्रावधान ऐसे किए कि लिक्विडिटी समाज के अंदर, यानी हमारे पैसे की, बहुत अच्छी बनी रहे, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर ये खूब हमारी बनी रहे। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अगर एक मत में बताऊं तो सोशल जो पेंशन है इसी में 6,000 करोड़ रुपए हमारा बढ़ गया है। पहले सिर्फ 6,000 करोड़ रुपये लगभग था, वो 12,000 करोड़ रुपये के आसपास हो गया है। तो जो मैंने पिछली बार आंकड़े भी बताए थे 252% सोशल सिक्योरिटी का, सोशल पेंशन का जो आंकड़ा है, जो 2009 और 14 की वृद्धि थी 29% और 14 और 19 की जो वृद्धि है वो 252% है। तो इस प्रकार से एक पैसा जितना ज़्यादा इन्फ्यूज़ होगा सोसाइटी में उतना ही ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्रॉप कंपनसेशन ये भी, यदि हम टोटल क्रॉप की जो इंश्योरेंस और कंपनसेशन स्टेट का है कुल मिला के 3500 करोड़ से ज़्यादा हो गया इन 5 सालों में। तो ये अपने आप में जिसको कहना चाहिए लिक्विडिटी, कैश फ्लो जो है वो बढ़ाने के लिए ये सारे हमने काम किए हैं। और रियल एस्टेट पॉलिसी, इसमें भी इन 5 वर्षों में जितने हमने पॉलिसी चेंजेस, नए पॉलिसीज़ और पॉलिसी चेंजेस किए ताकि रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ थी, एक प्रकार का ये हमारा सेक्टर प्राय स्टैंड स्टिल पर आ गया था। लेकिन हमने उसमें पॉलिसी चेंजेस करके आज पिछले 1.5 साल से 2 साल से फिर से ये आगे बढ़ना शुरू हुआ है। और अब रियल एस्टेट की जो आज 2 साल पहले कठिनाइयाँ थी वो सब दूर करते हुए, और जितनी भी इन्वेंट्री थी वो काफ़ी कम हो गई है और नए जो डेवलपर्स हैं वो भी इसमें आगे बढ़े हैं। विश्व की 200 कंपनियां, 500 फॉर्चून कंपनीज़ में से 200 कंपनियां हमारे यहाँ गुरुग्राम में जिनके ऑफिसेज हैं, तो उनका भी हमको बहुत बड़ा लाभ है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज हो या हमारा इंटरनल लिक्विड, कैश लिक्विड की सारी पोजीशन हो। उन कंपनियों के कामकाज से भी हरियाणा के अंदर ये हमने बहुत बढ़ाया है। जहाँ तक सोशल पेंशन की बात है, जैसे देश भर की बहुत सी योजनाएं, उनको तो हम फॉलो कर ही रहे हैं और उनको जो योजना बनती है उसको सबसे जल्दी सबसे पहले लागू करने वाला कई चीज़ों में हरियाणा प्रदेश है। वहीं स्टेट की ओर से भी हमने जो योजनाएं बनाई हैं, खास करके गरीब परिवार जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया से कम है, ऐसे परिवारों को सुविधाएँ ज़्यादा हम दें। 6,000 रुपया उनकी सोशल सिक्योरिटी के नाते भविष्य की योजनाओं के अंदर वो अपने प्रीमियम, अपनी किस्तें, इंस्टॉलमेंट्स दे सकें, तो ऐसा हर ऐसे परिवार को 6,000 रुपये की सहायता ये हमने दी है। केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये अलग से दी है, हमने 6,000 रुपया अलग से दी है ताकि इसका लाभ, इसके लिए सभी परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और एक परिवार समृद्धि योजना के नाम से इनको ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। व्यापारियों के लिए जैसे अलग से हमने बीमा की व्यवस्था की है, चाहे उनका गुड्स का हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात हो, तो उसके लिए अलग से हमने पैकेज उनको दिया है। इसी प्रकार हेल्थ के नाते से आयुष्मान की जो योजना केंद्र की है, उसमें इन एडिशन टू दैट जो भी रह गए हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है उन सबको उसमें जोड़ दिया है। बीपीएल की कंडीशंस कुछ थोड़ा सा हार्ड थी पहले, मानो मकान पक्का बना हुआ है तो बीपीएल में नहीं हो सकता, 4 व्हीलर किसी पास है वो नहीं हो सकता, आय भी 10,000 रुपये से ऊपर अगर मासिक है वो नहीं हो सकता। हमने उसको बाकी सब कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया है, केवल आय रखी है और वो भी 15,000 रुपया कर दी है ताकि 1,80,000 रुपये से इनकम जिनकी भी कम है परिवार की, उन सबको बीपीएल कार्ड में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन उसको खोल दिया, अब लगातार ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और लगातार उन लोगों को हम ये राहत देते रहेंगे। तो ऐसी एक प्रकार की हरियाणा में ये समस्याएं जैसी बाकी देश में, दुनिया में होंगी, वैसी हरियाणा में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के नाते भी हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में सरकारी नौकरियों में भी 70,000 से ऊपर तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 3,000 से ऊपर HPSC पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसी प्रकार प्राइवेट नौकरियों में भी लगभग उद्योगों में 4 लाख के आसपास ये नौकरियां जो है नए उद्योग, क्योंकि 58,000 नए छोटे बड़े उद्योग ये सारे प्रदेश में इन 5 वर्षों में खुले हैं। और जिन लोगों को नौकरी, मानो ग्रेजुएट्स जो हैं, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो नौकरी की चाहत में अभी नौकरी नहीं ले पाए हैं, उनको भी हमने सक्षम सिस्टम के माध्यम से, जिसमें लगभग 97,000 ऐसे युवा जो एप्लीकेशन के बाद जिनको पाया गया एक प्रकार से अप्रूव की गई एप्लीकेशन, जो उसके एलिजिबल हैं, तो उन ऐसे 97,000 एलिजिबल लोगों में से 82,000 लोगों को ये हमने काम दिया, और उसमें लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो काम देने के बाद एक समय पूरा होने से पहले ही नौकरियां कहीं पा गए, तो उसमें से वो विड्रा करके छोड़ के गए हैं ताकि दूसरी जगह पर काम मिल गए। आज भी 40,000 से ऊपर लोग, इनको हम 100 घंटा प्रति महीना काम दे करके और 7,500 रुपया ग्रेजुएट्स को और 9,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट्स को ये देते हैं। और इसमें भी जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो इस लेवल के लोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अब अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयड होते तो इसमें आकर के उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर होता। यानी जो एलिजिबल हैं वो 97,000 हैं, और जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन एलिजिबल नहीं हैं उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ऊपर है, उसमें कंडीशन है, तो ऐसे लगभग 24,000 लोग हैं। यानी अनएम्प्लॉयड कुल 1,21,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 42,000 लोग अब छोड़ के काम लग चुके हैं, तो अर्थात 80,000 लोग ही हम कह सकते हैं जो आज अनएम्प्लॉयड हैं। बाकी लोग जो जिन लोगों को काम अभी नहीं भी मिला है उनका भी ध्यान में ये आया है कि ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है लेकिन सेमी एम्प्लॉयड हैं, और जब सेमी एम्प्लॉयड होते हैं तो उनको लगता है कि हम 9,000 रुपया 10,000 रुपया का ये काम करने के बजाय अपना कहीं ना कहीं छोटा बड़ा काम वो करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज हैं, एम्प्लॉयड, सेमी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। इसलिए कम से कम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो अनएम्प्लॉयमेंट का विषय है इतना बड़ा नहीं है जितनी चिंता की जाती है। हाँ, प्लस 2 के और 10वीं के ये विद्यार्थी जो पास करते हैं और आगे अपनी पढ़ाई चालू नहीं रखते, हो सकता है ये संख्या बड़ी हो, उनके लिए हम अब स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का जो प्रावधान हमने किया है उसके अंदर कोर्सेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी जैसे जैसे कैंपस पूरा होगा उसमें तो होंगे ही, साथ में कई उद्योगपतियों के साथ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ MOU करके वहाँ कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं, ताकि रुचि के कोर्सेज का वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद और वो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें। अभी ऐसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से 17,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है, जो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट ली, उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद उन्हीं के माध्यम से और उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। कई प्रकार के जॉब फेयर्स ये भी लगाए गए, 434 जॉब फेयर्स कुल मिला के इन 4.5 वर्षों में लगाए हैं, और इसमें ओला, उबर, स्विगी आदि इन सब जॉब फेयर्स के माध्यम से भी 82,600 लोगों को वहीं ऑन द स्पॉट कंपनी ने आकर एम्प्लॉयमेंट दी है। तो अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट इसकी तरफ ध्यान सबका रखना ही होगा, क्योंकि हर वर्ष एक डायनेमिक एक सिस्टम है, हर वर्ष नए लोग आएंगे, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का एक जो सारा पिक्चर है वो मैंने आपको बताई है। हम इस एम्प्लॉयमेंट लेने के सिस्टम्स इसको अगले 5 वर्ष की जो हमारा संकल्प पत्र आ रहा है उसके अंदर बहुत आसान कर रहे हैं, क्योंकि एक कठिनाई जो अभी पिछले दिनों में भी हमने देखी, कल तक जो क्लर्स के एग्ज़ाम दिए गए कि बड़ी संख्या में जो सेमी एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी फॉर्म तो भरते ही हैं, कुछ आसपास के प्रांतों के भी होते हैं। तो हम एक तो अब आगे हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता देने का प्रावधान कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरियाणा के जो डोमिसाइल हैं वो उसमें आ सकें। इसके लिए कानून तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन प्राथमिकता देने के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस नाते से एक तो हम ये करेंगे। दूसरा, जो एग्ज़ाम है वो निकटतम स्थान पर वो एग्ज़ाम हो सके, क्योंकि अभी तक कमीशन जो इसका एग्ज़ाम लेते हैं उन्होंने भी पाया है और पिछला इतिहास भी ऐसा बताता है कि नकल की संभावनाएँ अपने गृह क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होती हैं, जिस प्रकार के उनके लोकल लिंक्स होते हैं, जिस प्रकार का वहाँ दबाव बनता है, और कई से व्यवस्थाएं ऐसी टूट भी जाती हैं, तो कई बार तो लैंड और स्थितियाँ भी बनती हैं। उसको समाप्त करने के लिए ही उनको यानी अपना क्षेत्र छोड़ करके और कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइज्ड तरीके से उनको सेंटर जो हैं अलॉट होते हैं। अब उसको किसी को 100 किलोमीटर मिला, किसी को 50 किलोमीटर दूर मिला, किसी को 200 किलोमीटर दूर मिला। तो हरियाणा में कहीं का जो एग्ज़ाम देने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं भी उसको नंबर आ सकता है। लेकिन आगे चल करके हम ऐसा कोई सिस्टम बनाने वाले हैं कि अपना ज़िला नहीं तो आसपास के ज़िलों में ही उनको एग्ज़ाम देने का सिस्टम बने। एक सुझाव आ रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका भी प्रावधान किया जाए किसी उचित व्यवस्था से, ताकि उसमें नकल भी ना हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम एक पहले ले लिया जाए, ताकि मेरिट पर अगर हमने नौकरियां देनी है सरकार को, तो फिर जो मेरिटोरियस लोग हैं उनकी छलनी एक बार नीचे ही हो जाए। आज तो हर व्यक्ति जो पास है, जो उसकी एलिजिबिलिटी पास होते ही बन जाती है, भले उसको पता है कि मुझे मेरा नंबर नहीं आने वाला है, कोशिश हर कोई करता है। इसलिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लोकल लेवल पर, जैसे हम टीचर्स का करते हैं HTET, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी पहले वैधता 5 साल थी, अब हमने 7 साल कर दी है। तो इसी प्रकार का कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए, ताकि जिनको सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं उन लोगों के यानी एक प्रकार सिस्टम में आगे आएंगे, तो वजन भी कम पड़ेगा, परीक्षा के इतने यानी फार्म भरने वाले भी शायद इतने नहीं होंगे। बाकी लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से, यानी ये जो हमारा स्किलिंग का है, स्किलिंग के माध्यम से उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अथवा प्राइवेट रोजगार, इसकी ओर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक संकल्प हमारा है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। अब उसकी मनपसंद का है नहीं है, उसके हिसाब से वो एम्प्लॉयड है या सेमी एम्प्लॉयड है, लेकिन एक न्यूनतम जितनी आवश्यकता एक परिवार की होती है, उस नाते से उसकी आय का कोई ना कोई काम हर व्यक्ति को मिले। इसके लिए हम एक एक व्यक्ति को ट्रैक करेंगे, चेज करेंगे, ताकि हर व्यक्ति के बारे में हमको पता हो कि वो क्या काम करना चाहता है, क्या कर रहा है, क्या वो कर सकता है, क्या उसको दिया जा सकता है। तो इसमें जितने ज़्यादा प्रावधान हैं वो हम सरकार की ओर से करेंगे, और वो हमारा जो परिवार पहचान पत्र का जो सिस्टम बन रहा है फैमिली ID के माध्यम से, वो हर व्यक्ति को चेज करने का है। और इसके लिए मैंने एक बात और कही है कि हम एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाएंगे, मंत्रालय बनाएंगे, मानव संपदा मंत्रालय। तो मानव संपदा मंत्रालय में बचपन से लेकर और जीवन की अंतिम यात्रा तक व्यक्ति को ट्रैक करना कि किसकी क्या आवश्यकता है और किसकी क्या उपयोगिता है, किसमें टैलेंट क्या है और किसमें किसकी आवश्यकता क्या है। तो दोनों प्रकार से रिसोर्स का, इसका मोबिलाइजेशन ये करने का एक, और ये मैं समझता हूँ हरियाणा वुड बी द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस सच ए सिस्टम इन द वर्ल्ड। कभी आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है, लेकिन हम करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हम इस ओर आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना है कि जो चिंता व्यक्त की जा रही है वो ठीक है कि आंकड़ों के हिसाब से जब कोई चीज़ आती है तो सारा देश उस पर सोचता, चिंतित होता है। देश की चिंताएं अपने स्थान पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, और वो देश के साथ साथ दुनिया में भी जिस प्रकार का भ्रमण कर रहे हैं, ताकि हमारे देश का स्थान ऊंचा बने और दुनिया में हमारी जो साख बने, तो उसमें से दुनिया के अंदर भी हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, दुनिया में हमारा प्रोडक्ट जाएगा, हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसमें से भी अच्छा होगा। तो एक साख निरंतर हमारी बढ़ रही है, साथ ही हरियाणा उसमें जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना करने के लिए हम कर रहे हैं। हमारे युवक, कोई भी उनकी व्यस्तता है, वो ज़्यादा ज़्यादा कैसे बने, वो एम्प्लॉयमेंट में बने, वो स्पोर्ट्स में बने, वो एजुकेशन में बने, यानी हर व्यक्ति अपना किसी न किसी काम में रहे। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा खाली कोई ना रहे, ऐसे हमारी इच्छा है। धन्यवाद। देखिए, मैंने एक आंकड़ा आपको बताया है कि जब हमने ओपन कर रखा है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को, उसमें अभी तक 4.5 साल में रजिस्ट्रेशन के लिए 1,21,000 लोग ही आए जिनको नौकरी चाहिए, और उसमें से भी 40,000 लोगों की नौकरी लग गई। 80,000 लोग ऐसे हो सकते हैं अगर वो अनएम्प्लॉयड होते, और उसमें से भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हम 100 घंटे का काम ऑफर करते हैं तो उसमें आते नहीं हैं। उनको मान लो प्राइवेट रोज़गार के लिए भी उसमें से बहुत सी ऑफर आती है, कई लोग तो प्राइवेट रोज़गार को मना कर जाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अगर वो अनएम्प्लॉयड होते तो किसी प्रकार का न्यूनतम रोज़गार आदमी ले सकता है, अर्थात वो कहीं ना कहीं सेमी एम्प्लॉयड है, ये मैं मानता हूँ। तो अनएम्प्लॉयड होना, सेमी एम्प्लॉयड होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना कोई ना कोई काम या प्राइवेट काम करते हैं, लेकिन संयोग ऐसा है कि सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण, ये बहुत बड़ा आकर्षण बना हुआ है, और उसके नाते से सब लोग फार्म भरते हैं। वो कोई भी ऐसा ग्रेजुएट्स का फार्म, जैसे मानो अभी भरा तो 15 लाख लोग उसमें आए। इस 15 लाख में बाहर के लोग भी हैं, सेमी एम्प्लॉयड भी हैं, और जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में हैं वो भी अपनी प्रमोशन के लिए उसमें आते हैं। जैसे हमने ग्रुप डी के नौकरियां लगाई, अब ग्रुप डी की नौकरियों में जैसा कहा जा रहा है कि उसमें तो बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले भी आ गए, उसमें ग्रेजुएट्स आ गए, पोस्ट ग्रेजुएट्स आ गए, इंजीनियर आ गए। भाई जिसके पास काम नहीं है उसको कहीं ना कहीं प्रारंभ में अपना पैर रखने का अवसर मिलना चाहिए। वो अगर हमने अवसर दिया है लेकिन साथ में छूट भी दे दी कि आपको अब आगे कहीं नौकरी लेने के लिए किसी डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। पहले एनओसी लेनी पड़ती थी और एनओसी में मान लो कोई आदमी कहीं ग्रुप डी में फंस गया तो वो या तो उनका उल्लंघन करके आए, अनुशासनहीनता करके आए, या नौकरी छोड़ेगा तो उसके ऊपर कई प्रकार की कार्रवाई हो जाएगी। आज हमने वो प्रावधान खत्म कर दिया। हमने कहा कि नहीं, आप अपना अप्लाई करिए किसी भी पोस्ट के लिए जो एलिजिबल हैं, केवल जस्ट टू इन्फॉर्म योर डिपार्टमेंट कि मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है, बस। तो वो लोग भी बहुत हैं जो सरकारी नौकरी में हैं और आगे नौकरियों के लिए फार्म भरते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी एच सी एस के लिए 5,600 लोगों ने अप्लाई किया सरकारी नौकरी में से, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने नौकरी दी। 18 लोग उसमें सेलेक्ट हुए, जिसमें से 16 अध्यापक हैं, वरना पहले अध्यापक एक या दो आते थे, कैटेगरीज बढ़ जाती थी एक हर एक डिपार्टमेंट से। मैंने कहा जो योग्य व्यक्ति है वो आएगा, तो जिस भी डिपार्टमेंट से आएगा। अपनी कलम हमने बंद कर दी कि टिक करना के चाहिए, टिक कर दो, एचसीएस बन जाए। ये जो जादूगरी थी मुख्यमंत्री की कलम की, वो खत्म कर दी है। एक एक करके प्लीज। मैंने बताया अभी ये सत्र तो हमारा पूरा हो गया, इसके बाद अब कोई परीक्षा होनी नहीं है। लेकिन हम बैठ कर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उनका अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, हम उनको कहेंगे कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, उसमें आसपास के ज़िलों से भी एग्ज़ाम देने की। वो तो क्या होगा कि हर एक का जो रेजिडेंस एड्रेस है उसके हिसाब से कंप्यूटराइज करेंगे तो आसपास ज़िलों में उसको स्थान मिलेगा। और दूसरा प्रावधान ये हो सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम अगर होगा तो ऑनलाइन, तो फिर जो केंद्र हैं जहां हम बनाएंगे वो आसपास, उसमें कम से कम नकल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। फिर तो जो भी केंद्र ऑनलाइन का सरकारी होगा, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईटीआई है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी इस प्रकार का केंद्र है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का पर्याप्त है, वहाँ एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब उसकी कैपेसिटी कितनी होगी वो देखना पड़ेगा। अभी इस बार जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं है ट्रैवल करने में, उनको छूट दी गई है, तो वो इस बार भी छूट थी। और ये चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी में जो नए नए सिस्टम आ गए नकल के, वो कोई अंगूठी में कुछ ले जाता है, कोई कड़े में कुछ ले जाता है, कोई चिप लगा के ले गया, कोई, तो जैसा जैसा एडवांस्ड तरीके नकल के हो जाते हैं वैसा वैसा सावधानी फिर डिपार्टमेंट को भी करनी पड़ती है। वो किस चीज़ की तलाशी कैसे लेंगे? परवाना जी। I have a two question. On regarding this issue only. Another question ये है कि आपकी पार्टी कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट कब से शुरू कर रही है और पहली किस्त कब आ रही है आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स? नंबर 1 का उत्तर मैं दे देता हूँ, साथ में कर देना। Not before 29th and not later than 4th. At 3 PM दूसरा एनडीए का पार्ट है बादल साहब की पार्टी, काइंडली टेल अस उनकी पार्टी को आप कितनी टिकट्स दे रहे हैं? देखिए, ये समझौते के जितने भी विषय होते हैं एनडीए पार्टनर्स के साथ, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये वो करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमसे तो अगर कोई बात पूछ लेंगे तो हम अपनी राय दे देंगे। अब ये बात उनकी चल रही है आपस में, जब बातचीत चलेगी तो उसके बाद जो फाइनल होगा हम आपको अवश्य बताएंगे। दो चीजें हैं, तो आपने क्योंकि एग्जाम्स की जो बात की थी कि एक एलिजिबिलिटी एग्जाम रख दिए जाए हरियाणा के लोगों पर, उसके लोग और फिर ऑनलाइन टेस्ट किए जाए जैसे एस्टेट के, क्या हम ये मान के चल रहे हैं जो आपके माइंड में जो मैं समझाऊँ, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई भी आदमी दे सकता है किसी भी कैटेगरी के पोस्ट्स के लिए, और वो फिर आगे जब पोस्ट एचएससी जब जारी करेगा, पोस्ट जारी करेगा, विज्ञापन आवेदन मांगेगा, तो वो लोग फिर उसमें अप्लाई करें और उनका ऑनलाइन ऐसा कि अभी तो चूँकि एक आइडिया है ये, अब इसमें जो उसकी निटिगिटीज़, उसकी डिटेलिंग, उसकी प्रावधान, ये तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन या जो और बोर्ड कॉरपोरेशन जो अपनी भर्तियां खुद करते हैं ऐप से आपस में बैठ करके उनसे सुझाव लेंगे वो कैसा क्या सुझाव है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ पोस्ट का जो एक ही लेवल की क्वालिफिकेशन की पोस्ट होंगी उनकी कोई कैटेगराइजेशन की जा सकती है और उस कैटेगराइजेशन में जो आता होगा वो एक टेस्ट देगा, फिर उसमें से जिस पोस्ट पर भी उसको मौका मिलेगा वो जाके एग्ज़ाम दे आएगा उसका। हाँ, ऐसा कुछ करेंगे तो सुविधा होगी। ऐसा एक मिनट एक करके नहीं आपका हो गया ना। प्राथमिकता प्रायोरिटी वो अध्ययन कराएंगे लीगली जो सस्टेन कर सके। प्रदीप जी आप कहते हैं जो आपके आंकड़े हैं 80,000 के लिए ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स देखिए इलेक्शन इशू क्या लाइट गई, इलेक्शन इशू नाम से कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि ये इलेक्शन इशू होगा कि नहीं होगा। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर दैट। अब इलेक्शन इशू तो जिसको जो तकलीफ है वो अपनी बोलेगा, उस तकलीफ को हल करने के लिए जो उनको हल करनी है वो बताएंगे कि वैसे हल करना है। और उसमें कोई इलेक्शन इशू बहुत प्राइम उसका होता है, जैसे आपका प्राइम टाइम होता है ना, ऐसे कोई प्राइम इशू होता है, कोई छोटा इशू होता है। हाँ, और कोई कोई एक न्यू विजन में से इशू होता है, कई बार इशू ध्यान में नहीं आते और न्यू विजन होता है वो बन जाता है। अब कभी कोई मुद्दा ऐसा नहीं बनाया गया कि पंचायतों को पढ़ा लिखा कराया जाए कि ना कराया जाए। वाज देयर एनी टाइम इट ए इशू? नहीं था। हमारे ध्यान में आया करना चाहिए, बड़ी प्रशंसा हो गई। पूरे प्रदेश को हमने केरोसिन फ्री कर दिया। वाज इट ए इशू एट दैट टाइम? नहीं था। तो जो चीज़ें समाज में अच्छी क्रिएटिव की जा सकती हैं वो सब हम करेंगे, ताकि समाज को हमको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने में जो जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें दूर करनी हैं। कई बार अध्ययन में से बहुत चीज़ें आती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कोई इशू नहीं था, लेकिन एक अध्ययन ऐसा आया कि अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो कल को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो कई बार समस्याओं को ध्यान में रखते इशू आते हैं, और कभी कभी आइडियाज़ में से या कुछ लोगों के नए जिसको कहना चाहिए विजन के माध्यम से चीजें आती हैं, उसको आगे लागू किया जाता है। सीएम साहब एक सवाल है सर, आर्थिक मंदी से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया, कांग्रेस के तमाम नेता और सोशल मीडिया पर भी काफी जो आपकी हुई वो आर्थिक मंदी पर लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के और अपने हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए वो बताकर ये कहीं ना कहीं मान लिया है कि हरियाणा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं और किस तरह से काउंटर करेंगे, क्योंकि आर्थिक मंदी तो है, इसी वजह से सरकार कदम उठा रही है, तो इसको किस तरह से आप हरियाणा में काउंटर करेंगे? मैंने काउंटर करने के विषय बताए हैं सारे कि लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसी में सेटिस्फेक्शन आती है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा देखिए, मुद्दे में से विजन होता है अपना बताया जाता है। हमने अपना विजन बताया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर आए, एक साल पहले ही तो आए हैं, और उसके कारण से आज हमारे यहाँ नई इंडस्ट्री खूब आ रही है। और जब नई इंडस्ट्री आ रही है तो उसमें से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ किसान की हमारी GDP कम नहीं है, किसान की हमारी GDP देश से डबल है, क्योंकि हमारे यहाँ फसल भी अच्छी होती है, दाम भी पूरे मिल रहे हैं। उस दाम के नाते हमने किसान की फसल का दाम पूरा उसको मिल जाए। दो उदाहरण में देता हूँ। बाजरा किसी प्रदेश ने पूरा नहीं खरीदा, हमने एक एक दाना खरीदा। सरसों किसी प्रदेश ने पूरी नहीं खरीदी, हमने एक एक दाना खरीदा। 700 करोड़ रुपया हमने उसमें इन्फ्यूज़ किया कि 700 करोड़ रुपया सरकार को घटाओ हम चलाएँगे, लेकिन किसान के पास पैसा पूरा जाना चाहिए। 34 करोड़ रुपया ये कंपनसेशन ये हमने दिया, कभी किसान नहीं दिया। तो हम किसान की हर समस्या के साथ खड़े हैं। 70% हमारी जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। तो जब लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, लोगों की इनकम में कमी नहीं आएगी, तो इस प्रकार का समस्या हरियाणा में नहीं आएगी। हाँ, सारे दुनिया में और देश में जहाँ जहाँ है वो अपने अपने हिसाब से उसका कर रहे हैं, उसके प्रावधान जैसे जैसे जो जो कर पाएंगे। हमने हरियाणा में प्रावधान पूरे किए हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई हरियाणा में नहीं आने वाली। और वृद्धि दर ये अगर 5-6% से ऊपर बनी रहती है तो ये समस्या नहीं आती। जो बहुत डाउन होती है तब ये समस्या आती है। हमारी आज भी 8.2 ग्रोथ इन जीडीपी, ये 8.2 है हरियाणा का। आप पीछे एक मिनट प्लीज, योगेंद्र जी। क्लर्क का एग्जाम देने बच्चे गए, 5 लोगों की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप 5 साल बाद कह रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेपर नजदीक हो। एक बच्चा पेपर देने जाता है, 5-7 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, खासकर लड़की के साथ उसका घर वाला भी जाता है। अगर 5 साल बाद वो पेपर देने जाएंगे तो 50,000 के नीचे दब जाएंगे। तो ये 5 साल बाद हम देखिए, जब कोई समस्याएं ध्यान में आती हैं हल उसके तभी होते हैं। आखिरी समस्याएं पहले नहीं आती थी, ऐसा नहीं है, पहले भी समस्याएं आती थी। और आज अगर इसका एक मैग्नीट्यूड बढ़ा है तो समस्या का हम ध्यान कर रहे हैं। हम ये भी चाहेंगे कि उनके खर्चे कैसे कम किए जाए, ताकि एग्जाम देने वाला अनएम्प्लॉयड आदमी है उसका खर्चा कम कैसे किया जाए, इस पर विचार करेंगे। एक मिनट प्लीज, एक एक करके। कुलबीर। हाँ, देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब किसी व्यक्ति को पार्टी का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, या किसी व्यक्ति को मनचाही पार्टी का नहीं मिलता है, दूसरी पार्टियों का मिलता है, वहाँ जाते नहीं हैं। तो कोई एक ही व्यक्ति एक जगह से जीत पाएगा, बाकी जीत नहीं पाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। पार्टियों के अपने अनुमान होते हैं। पार्टी का कोई टेस्ट नहीं होता किसी कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए। पार्टी कोई टेस्ट तो लेती नहीं। अमेरिका में तो राष्ट्रपति का टेस्ट लेती है पार्टी। राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ आज शुरू हो गया। 1 साल उनके पार्टी के अंदर वोटिंग होगी और साल के बाद वोटिंग में उस पार्टी में जो आगे बढ़ेगा उसको पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट बनाएंगे। लेकिन हरियाणा देश की, अपने देश के लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो पार्टियाँ अपने चयन प्रक्रिया में अपने अपने पैरामीटर होते हैं, वो अपने पैरामीटर लगा करके और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ने के बाद किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, इस पैरामीटर में मुझे आना चाहिए था और पार्टी ने मुझे नहीं चुना है, तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता कि भी तुम चुनाव मत लड़ो। जीत के आएगा उस समय स्थिति देखी जाएगी। पिछली बार भी 4 लोग इंडिपेंडेंट आ गए थे, 5, और 1 बीएसपी से जीत के आ गए थे, 6 में से 5 सरकार के साथ आके खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर ये परिस्थितियां लोकतंत्र में समय के हिसाब से बदलती हैं। देखिए, ज्वाइनिंग तो लगातार निरंतर रहने वाला प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें कभी कोई किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। कोई चुनाव घोषणा होने से पहले ज्वाइन करता है, कोई टिकटों के वितरण से पहले करता है, कोई टिकटों के वितरण होने के बाद भी ज्वाइन करेंगे, और कोई पार्टी के जीतने के बाद भी ज्वाइन करेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने में मैंने बताया, जैसे पहले बताया, हर व्यक्ति को अधिकार है कि जो जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़े, किसी को रोका नहीं जा सकता। एक एक पीछे नहीं, पीछे पीछे। सीएम साहब, प्याज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और नई फसल को आने में अभी टाइम है, तो कम से कम 10 हफ्ते लगेंगे जो नई फसल आएगी। तो तब तक आप किस तरीके से, देखिए, ब्लैक स्टोरेज भी हो जाती है, तो उनके भी कोई आप इस तरह की, देखिए, चूंकि आचार संहिता लगी है इसलिए अब सरकारी किसी काम में हमारा हस्तक्षेप तो नहीं है। लेकिन कभी कोई इमरजेंसी आती है तो हम डिपार्टमेंट के लोगों को कह सकते हैं कि इसका हल निकालो। कल मेरी बात हुई है तो अधिकारी बैठ करके और आज उसका कोई ना कोई प्रावधान निकालेंगे। और उसका तरीका यही होता है कि ऐसे समय पर जो सरकारी एजेंसियों के पास स्टॉक होता है उस स्टॉक का उपयोग किया जाता है। प्याज का जो स्टॉक है नेफेड के पास है, और नेफेड ने घोषणा भी की है कल के कुछ प्रांतों को, वो शायद रेट भी कुछ बताया, 26 रुपये 28 रुपये कोई रेट बताया है, इस रेट के ऊपर सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो वो वहाँ से ला करके और हम अपने यहाँ प्रदेश में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करा सकें, ऐसी योजना डिपार्टमेंट बना रहा है और निश्चित रूप से उसकी जल्दी जानकारी मिले। पवन एक मिनट, पवन 2014 में चुनाव में उतरी थी तो नंबर 1 हरियाणा का नारा था उनका। अब आप 5 साल से सत्ता में सर और आप हरियाणा में चुनाव मैदान में उतरे हैं, हरियाणा को आप कहां पर देखते हैं सर? और साथ ही आपने जो आंकड़े बताए सर, आप कह रहे हैं कि 80,000 युवा ही बेरोजगार। नहीं, मैंने ग्रेजुएट, देखिए एक तो मिसकोट ना करो, ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट संख्या है, +2 10वीं पास करने वाले या कुछ अंडर मैट्रिक भी हैं जिनको आज काम चाहिए, वो बड़ी संख्या में हो सकते हैं। मैं तो केवल आपको एक उदाहरण बताया और वो ओपन हमने चूँकि रजिस्ट्रेशन खोली हुई है, कोई बैन नहीं है उसके ऊपर, हर आदमी उस पर रजिस्ट्रेशन कराए। एक ही है कि जो 3 लाख रुपए से ज़्यादा जिसकी इनकम है वो उसको हम नौकरी के लिए, उसका स्किलिंग के लिए वो जा सकता है, स्किलिंग के प्रावधान है उसमें जाए ट्रेनिंग ले, लेकिन जो इससे कम है उसको 100 घंटे काम के बदले में हम जो टाइप जो देते हैं मानधन, उस मानधन के लिए वो 3 लाख की उसकी वो है। लेकिन बाकी +2 और 10वीं पास और जो अंडर ग्रेजुएट भी होंगे, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, लेकिन जितनी बताई जा रही है उतनी नहीं है निश्चित रूप से। आपने जो आर्थिक मंदी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं भारत सरकार, उन्होंने भी बताया और काम किए जा रहे हैं। जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी निर्मला सीतारमण ने, उनका कहना था कि ऑटो सेक्टर में मंदी आने का कारण है ओला और उबर, इसलिए लोग गाड़ियाँ नहीं करें। आपने सर अभी कहा कि जो आप रोजगार दे रहे हैं और जो लोगों को ये कर रहे हैं, तो ओला उबर और स्विगी का नाम लिया अभी आपने थोड़ी देर, तो ये मतलब वो कहते हैं कि इसके चलते मंदी आ रही है ऑटो सेक्टर में और आप कहते हैं। देखिए बात का विश्लेषण, दूसरा एक और सवाल, हाँ दो सवाल, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की आपने कही कि ठीक और मैं कहना चाहूँगा बगल का राज्य है पंजाब, आपका पड़ोसी राज्य है, बड़ा भाई भी आप बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है पाकिस्तान से, हमेशा वहाँ पे कुछ कुछ होते रहता है, उसके बावजूद भी वहाँ का जो ग्राफ देखे क्राइम का, खासकर जो जिस तरह से गैंगस्टर घटनाएं हुई आपके हरियाणा में, जो बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, वो पंजाब से आप तुलना कीजिए तो काफ़ी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि? मैं बताता हूँ, दोनों बातें बताता हूँ। देखिए जहाँ तक ओला उबर की बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके कारण से मंदी, इतना ज़रूर कहा कि ओला उबर के कारण से लोगों की जो आवश्यकता है वो उसमें ट्रैवलिंग की पूरी हो जाती है, क्योंकि ओला उबर कोई एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए नहीं है, वो तो लगातार सुबह से शाम तक अपनी सर्विस देते हैं। अगर इंडिविजुअल 50 परिवारों को 50 गाड़ियाँ चाहिए तो 50 परिवारों की आवश्यकता 1 या 2 गाड़ी ओला उबर की वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी कर देती है, तो उसमें से आवश्यकता यानी एक डिमांड जो है वो कम हुई है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके कारण से जो रात मिली है वो ट्रैफिक कम होने की रात भी तो मिली है, आखिर पॉल्यूशन भी तो उसमें कम हुआ है। अब अकॉर्डिंगली व्यवस्थाएं जितनी जितनी बदलेंगी समय समय के हिसाब से, वो इंडस्ट्री को नीड बेस्ड अपनी प्रोडक्शन को करना होगा। अब कई बार प्रोडक्शन हो जाती है आगे के जो पिछले ट्रेंड होते हैं उसके साथ 1 साल 2 साल 5 साल का जो एक अनुमान होते हैं, एक प्रोजेक्शन होती है, उस प्रोजेक्शन के हिसाब से होती है। मान लो कल को रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय रेलवे ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, मेट्रो बढ़ जाती है, अल्टीमेटली लोगों को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करने की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। हम चाहते भी हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट कम रहे, मेट्रो बढ़े, इसीलिए मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इस नाते से ये चीज़ें एक दूसरे को मेल खाती हुई आगे बढ़ेंगी। ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ ये मिलनी चाहिए लोगों को और ट्रैवलिंग नीड्स ये कम होनी चाहिए। अब ये कम कैसे होगी? इसके नाते से जैसे कुछ देशों ने ऐसी एक पॉलिसी अपनी बनाई है कि जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस के विद इन सम एरिया, हर देश ने उन्होंने अलग अलग तय भी किए हैं कि आप इतने किलोमीटर के अंदर आप अपनी नीड को पूरा करिए। कई जगह पर अमेरिका में अब स्कूलों में एडमिशन वो कहते हैं 2 से 5 किलोमीटर के अंदर स्कूलों को जो एडमिशन होंगे वो स्कूल में होने चाहिए। क्यों? बच्चों को ट्रैवल करेंगे, एक तो ट्रैवलिंग बढ़ती है, एक बच्चों के ऊपर उसका जो लोड पड़ता है वो बढ़ता है। तो ऐसे सुझाव भी चलते हैं। अब मान लो अगर ये होता है तो स्वाभाविक है ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, ट्रैफिक लोड भी कम होगा। अब उसके कारण से कल को कोई कहे कि भी इससे तो गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं, तो ये तो समय की आवश्यकता के हिसाब से हर चीज़ की उपयोगिता, नीड और सप्लाई ये मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, एक प्रश्न आ गया। देखिए एक सवाल, एक नहीं पहले अच्छा वो बताता हूँ, फिर इधर दो तीन। तो लॉ एंड ऑर्डर का देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ कम और ज़्यादा का विषय क्यों उठता है, उसका एक सीधा कारण है। हमारी एक थ्योरी है कि कोई भी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन ये मस्ट है, और उस मस्ट रजिस्ट्रेशन में नंबर कई बार बढ़ता है, और 30% ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं ये झूठी पाई गई हैं, ये रिकॉर्ड बताते हैं। जब हमने हर एक को छूट दे दी कि आप आकर के और आप जो है कंप्लेंट अपनी कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन जो 2 साल के अंदर अंदर सजा देनी चाहिए इस प्रकार के एडमिशन की, उसमें हरियाणा नंबर 1 पर है। इन्वेस्टिगेशन हरियाणा नंबर 1 पर है, झूठी शिकायतें 30%, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। इस नाते से ओवरऑल हमारी पोजीशन में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ प्रदेशों में एक उनके मंशा क्या होती है कि रजिस्ट्रेशन ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि एक फ्लर्ट दिखाई दे। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, अन्यथा जितने आज केसेस हैं कहीं 2012 में इससे ज़्यादा केसेस थे। ये आंकड़े आपको बताते हैं, जब ये कहा गया था कि हरियाणा इज बिकम द स्टेट ऑफ, उनके अपने आदमी ने कहा जो एससी कमीशन के चेयरमैन राजकुमार, हाँ उन्होंने खुद कहा। तो इसलिए ये चीज़ें कंपेरेटिव आप करेंगे तो पूरी हिस्ट्री देख करके तब आप कंपेयर करिए। हाँ, मेडिकल कॉलेज झज्जर, देखिए ये एक प्रॉब्लम ऐसी है कि जो केवल हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है, वो काम एमसीआई का है। एक कंप्लेंट एमसीआई को गई ही, एमसीआई ने कहा कि हम इसकी इंस्पेक्शन करते हैं और जो मेडिकल कॉलेज में कमियां हैं उसको हम पूरा करा देंगे। पूरा ना होने के बाद अगर फिर भी पूरा नहीं करेंगे तो जैसे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज का हमने सिस्टम बनाया वैसा एक सिस्टम बन सकता है, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं बना करता, उसमें सारी प्रोसेस के बाद बनता है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने एक जिद पकड़ ली, आज ही करो अभी करो। 70% विद्यार्थी आज भी उस बात को मान रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारा अगर ये सिस्टम ठीक नहीं होता तो अगले साल के सेशन में हमें कहीं ना कहीं और कॉलेज में भेज दिया जाए। 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिद पकड़ के बैठे, हम तो यहाँ बैठे आज ही करो। तो हमारी बातचीत चल रही है उनसे, इसमें से इस प्रकार की जिद ना पकड़ें वो, और उसका हम एक सिस्टम से अगर करना होगा तो अभी अपनी पढ़ाई चालू रखें। कॉलेज अपनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेगा तो उनकी कोई ना कोई, जैसे फरीदाबाद में किया है, उसी आधार पर अल्टरनेट व्यवस्था उनकी कर देंगे, ये हमारा कहना है। मनवीर जी बस लास्ट मनवीर जी। देखिए आज क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और इस ऑनलाइन सिस्टम में ट्रेडिंग कौन कर रहा है, कितनी कर रहा है, इवन स्टॉक किसके पास कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, ये सब चीज़ें आज वो समय नहीं रहा आज से 10 साल पहले का कि कुछ हो रहा है तो उसका पब्लिक ओपन नहीं है। आज गवर्नमेंट के सिस्टम के माध्यम से वो सारी चीज़ें पब्लिक ओपन हैं, पता लग जाता है कि किसने स्टॉक किया हुआ है और कहाँ इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी जैसे जीएसटी का जब से समय आया है, जीएसटी के बाद ई वे बिल में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर आ गया कि ई वे बिल का सारा सिस्टम मॉनिटर होता है, और उस ई वे बिल के कारण से बहुत से ऐसे व्यापारी जो गलत काम करते हैं, 2 नंबर का माल बेचते हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। इसमें शुरू में कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसका दुरुपयोग भी कुछ लोगों ने करना शुरू किया, फर्जी फर्में बना ली, फर्जी कंपनियां बना ली, और करोड़ों रुपए का उसमें जीएसटी का लॉस भी हुआ, वो सारे पकड़े गए हैं। चाहे वो पानीपत का विषय हो, चाहे वो सिरसा का विषय हो, चाहे वो कैथल का विषय हो, सब जगह वो पकड़े गए हैं। अब इसमें कितना जल्दी हम उस कल्प्रेट को डिटेक्ट करके पकड़ सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी वो है। लूप होल्स तो बंद करने के लिए सिस्टम बनाए जाते हैं, लेकिन जिन्होंने उस सिस्टम को ब्रेक करना है दिमाग उनके ही बड़े तेज हैं। आप सिस्टम चल रहा है। हाँ, आपने भी पीछे अनाउंसमेंट की थी कि हम हरियाणा में एनआरसी इंप्लीमेंट करेंगे, क्या कोई डेटा है जिसे आपने मतलब एनीथिंग टू बैक दिस स्टेटमेंट, कोई डेटा हो या, क्योंकि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिसर स्पेशली इलीगल माइग्रेंट्स को ही मॉनिटर कर रहा होता है, तो क्या कोई टोटल नंबर है अभी तक हमारे पास कि टोटल कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं? बिकॉज वी आर नॉट इवन अ बॉर्डर स्टेट, सो व्हाट वाज द नीड टू व्हाट डू यू थिंक इज द नीड बिहाइंड दिस एनआरसी? देखिए, वैसे तो अब धीरे धीरे सारे देश भर में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, कुछ स्टेट्स ने कहा भी है, हम भी करेंगे। हमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब वो इन्फॉर्मेशन कोई पुख्ता हो जाती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के नाम से बाहर के स्थानों से बहुत लोग जगह जगह आ करके अपना एम्प्लॉयमेंट का कहीं रेडी लगा ले, कहीं दुकान बना ले, कहीं ये कर लिया वो कर लिया। अब ये प्रारंभ में तो बड़ा एक छोटा विषय लगता है कि कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आया तो आओ, उसको रोक नहीं है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट करने वाला व्यक्ति कहाँ का है? क्या वो अपने देश के किसी प्रांत का है, या किसी दूसरे देश का इन्फ्लेट करके आया हुआ है, या वाया मीडिया बना के इन्फ्लेट करके पहले तो आया हो मान लो बंगाल में या बिहार में, और वहाँ 2 साल 4 साल रुका और बिहार से फिर वहाँ का एड्रेस देके यहाँ आ गया हो। तो ये एक सारा सिस्टम जिसको कहना चाहिए लगातार नज़र रखने का है कि किसी भी कारण से कोई विदेश का व्यक्ति इन्फ्लेट करके आज कुछ नहीं गड़बड़ कर रहा होगा, लेकिन इन चीज़ों को पनपते बाद समय पर पता नहीं लगता कब क्या होगा, और फिर जब समस्या का व्याप बढ़ जाएगा फिर हम आप सारी चिंता करेंगे कि पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इसलिए हमको हर समय इसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, और उसमें जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाना शुरू किया है ये उसमें एक सहायक होगा। हालांकि एनआरसी का सिस्टम, उनका सिस्टम दूसरा है सारे सर्वे करने का, लेकिन हमारी सहायता हो जाएगी कि हर एक परिवार जो हरियाणा में रहता है वो रजिस्टर्ड है, और नया परिवार कोई आता है तो उसको भी आकर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि मैं यहाँ आकर के बसने लग गया हूँ। हरियाणा से परिवार को छोड़ के जाएगा तो वो हमारी सारे सिस्टम में अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा, ये परिवार हरियाणा में नहीं रहता है। तो कभी भी जब हम हर चीज़ की काउंटिंग करना चाहते हैं, व्यक्तियों की काउंटिंग करना चाहते हैं, तो परिवारों की भी होनी चाहिए। और एक नेशनल एक लॉ है कि बाहर के देश का व्यक्ति अनऑथोराइजली नहीं रहना चाहिए, उसी में से एनआरसी लागू करने की बात है। और कोई एक सहज भाव से एक टिप्पणी थी, कोई इलेक्शन मुद्दा नहीं है, ये कोई आज ही हम करने वाले हैं या आते ही इलेक्शन में, नई सरकार आते ही अगले महीने करने वाले हैं। ये देश भर में जैसे लागू करने की बात आएगी हम इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान के लिए आमंत्रित है सभी।